आपने 10 साल पहले भी देखा होंगे लास्ट का जो है 2024 के चुनाव, तो क्या आपको लगता है कि कुछ मिलेगा? देखिए मैं समझता हूँ जो जो बजट है, ये बजट तो एक तरीके से घोषणा पत्र आप मान सकते हैं इसको, लेकिन आज का जो क्रियान्वयन करने का समय था वो तो जो है मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जो हो सकता था हो गया। आप तो अगली बात कह रहे हैं, अगली बात तो चुनाव के बाद की बात, ये तो इंटरिम बजट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार के हरियाणा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन 10 वर्षों में हरियाणा से स्थानांतरण किए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, जो कि हरियाणा के लिए मंजूरशुदा प्रोजेक्ट और कोई एक नई बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में किसी भी बड़ी परियोजना का बजट दिया नहीं गया। अभी 10 वर्ष में जो ये बजट है, ये तो इंटरिम बजट है, इसको तो हम घोषणा पत्र के रूप में आप ले सकते हैं, आगे करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। 10 साल से तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ये इस बात का हमें थोड़ा सा बजट को लेकर ये भी देख रहा हूँ कि भाजपा को और भाजपा के नेताओं को जो है विपक्ष के नेताओं की ज़्यादा चिंता रह रही है लोगों की बजाय। आज जो सत्ता में है लोगों के काम कराए, विकास कार्य कराए, लेकिन जो है विपक्ष के नेताओं की उनको ज़्यादा चिंता रहती है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान था 2-3 दिन पहले, हमने देखा कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा हो कि दीपेंद्र को पीछे कर दिया गया, आपने भी देखा होगा बयान। अब मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस की इतनी सेहत की चिंता और उनके हमें ये सुझाव दे रहे हैं कि दीपेंद्र को पीछे करें तब कांग्रेस सेहत सुधरेगी, तो कांग्रेस की हम समझ रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी सच्ची नीयत से कांग्रेस की सेहत की वो शायद जो है चिंता कर रहे होंगे, हमारी चिंता कर रहे होंगे। तो क्या था ऐसे ही अभी कल मैं देख रहा था उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की का जो बयान था, तो ये लोग जो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, मेरे को निशाने पर लेते हैं, ये भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। मैंने तो कल भी कहा नारनौंद में कि शायद इसलिए निशाने पर लेते हैं कि ईमानदारी से हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के साथ अन्याय हो तो हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो अग्निपथ योजना जब कैंसिल हुई तो हम जवान के साथ खड़े हुए, 3 कृषि कानून काले आए तो हम किसान के साथ खड़े हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो हमने अपनी बेटियों खिलाड़ियों पहलवानों का साथ देने का काम किया, और शायद ये बातें इनको सही नहीं लगती इसीलिए ये शायद निशाने पर लेते हों। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब भाजपा के सारे नेता प्रेस में मेरे खिलाफ बयान अच्छे से उनके बयान नहीं छपे, तो उस रात जब मैं बयान देख जब जो है रात को सोते टाइम जब बयान दिखते हैं कि सभी ने ठोक के आज खिलाफ बोले हैं बीजेपी सारी, लोगों के काम काज छोड़ के सरकार की चिंता छोड़ के मेरी ही चिंता कर रही है, तो बयान पढ़ने के बाद मेरे को नींद अच्छी आ जाती है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं सही में ईमानदारी से जो है ये लोगों के लिए लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ।